हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए सूखी चटनी, जिसे हम गन पाउडर भी कहते हैं, की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप इसे घर के इंग्रेडिएंट से आसानी से बना सकते हैं और इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप इसे इडली, डोसा, बड़ा, पाव किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा और चटपटा चटनी होता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। गन पाउडर या पाउडर चटनी बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। हम इसमें 1 कप चने की दाल ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। हम इसमें 1/2 कप उड़द की दाल ऐड करेंगे। हम इन दोनों को मिला के अच्छी तरह से भून लेंगे। दाल हमारा भुन गया है। हम इसे निकाल लेंगे। लहसुन को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लहसुन हमारा रोस्ट हो गया है, हम इसे भी निकाल लेंगे। हम इसमें सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। और सूखी नारियल ऐड करेंगे। मैंने इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। हम इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमारे इंग्रेडिएंट 1/2 रोस्ट हो गए हैं। इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। हाफ चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे। हम इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमारे सारे इंग्रेडिएंट रोस्ट हो गए हैं। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। इसी के साथ मिला लेंगे। हमारे सारे इंग्रेडिएंट
अच्छे से रोस्ट हो गया, हम इसे ठंडा होने देंगे। सूखी चटनी बनाने के लिए हमारा इंग्रेडिएंट ठंडा हो गया है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हम इसमें इमली ऐड करेंगे। हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे। एक चम्मच चीनी ऐड करेंगे। हम इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे ताकि हमारा सूखी चटनी में अच्छा कलर आए। और इसे ग्राइंड देखिए, हमने सूखी चटनी को ग्राइंड कर लिया है। हमें इसी तरह इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा सूखी चटनी बनके तैयार है। आप भी इसे इसी तरह बना करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होता है। आप भी इसे घर में आसानी से बना सकते हैं घर के इंग्रेडिएंट से। तो आप भी इसे घर में बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।